الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، صدق الله العظيم. बरली सदरी वली अमरीकुदतमिस कवली रब हाज़रीन करामकम वरम् वक्त सऊदी अरबिया के शहर जद्दा से मैं डॉक्टर खालिद हकीम आपका इस प्रोग्राम में इस्तबाल करता हूँ हमारे ये जो प्रोग्राम है जिसका हमने नाम रखा है कुरान तजवीद एंड इजी कुरानिक ग्रामर इस प्रोग्राम को तकरीबन 20 साल से हम सऊदी अरबिया से चला रहे हैं इसमें ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं और कोविड के ज़माने से लेके हम ऑनलाइन क्लासेस भी इस प्रोग्राम के तहत ले रहे हैं हमारा जो प्रोग्राम है इसके दो हिस्से हैं पहला हिस्सा जिसको हम शुरू करने वाले हैं नॉर्मली ये प्रोग्राम हमारे पास महरम से शुरू होकर जो शाबानमाज़म है या रमज़ानमबारक उस तक ये प्रोग्राम रहता है आठ से नौ महीने ये प्रोग्राम हमारे पास चलता है जिसमें आपको कुरान मजीद कैसे पढ़ा जाए यानी जिस तरह ये नाजिल हुआ है पैगम्बर करीम जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी तजवीद के साथ करत के साथ ये सिखाया जाता है इसके अलावा जोरबिक ग्रेम ग्रामर है यानी अरबी ग्रामर कुरान मजीद का जो ग्रामर है जिसके ज़रिए आप कुछ टाइम के बाद कुरान मजीद खुद पढ़ना सीख सकते हैं उसका ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं तर्जुमा करना सीख सकते हैं और आपको किसी भी तर्जुमे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्रोग्राम में ये नौ महीने में हम प्रोग्राम करते हैं उसके बाद जो दूसरा इसका सेक्शन है उसको हम कहते हैं एडवांस लेवल क्योंकि ये बेसिक लेवल है बेसिक लेवल हमारे पास तकरीबन आठ से नौ महीने तक रहता है जबकि एडवांस लेवल की कोई वक्त नहीं यानी कोई टाइम नहीं एडवांस लेवल जो हमारे पास है ये चलता रहता है जब तक एक तालब इलम काबिल ना हो जाए कि वो रमूज और जो कुरान मजीद के जो मुख्त अरबिक के जो निकात है उन निकात को अच्छी तरह से वो न समझे आप ये भी कह सकते हैं कि जो एडवांस लेवल है वो आप बराबर अपनी जिंदगी के बाकी आयाम में या पूरा जो आपकी जिंदगी है उसमें उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं यानी अभी भी मैं एडवांस लेवल में खुद एक तालब इम हूँ पढ़ाता भी हूँ और खुद एक तालब इिल्म भी हूँ तकरीबन पाँच छः साल इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कुरान का पढ़ना और पढ़ाना जो है ये कितना जरूरी है बात करेंगे हम जो इस वक्त का हमने प्रोग्राम शुरू किया है यानी बेसिक जो तज़वीद है कुरानी मजीद की और इजी कुरानी ग्रामर का जो बेसिक लेवल है फर्स्ट लेवल है ये जो प्रोग्राम है ये जैसा कि मैंने आपके सामने आरज किया हमारे पास नौ से साढ़े नौ महीने तक चलता है इसमें हफ्ते में दो क्लासेस होते हैं जैसा कि मैं अभी आरज कर रहा था आपको इस साल इन ये दो क्लासेस हर हफ्ते में होंगे एक क्लास हम वीकेंड में लेते हैं जैसा कि आज सैटरडे है और दूसरी क्लास हम लेंगे वीक डेज में जैसा कि हमने फ़ैसला लिया है कि ट्यूसडे में वो क्लास लेंगे क्योंकि मुझे जो बैच दिया गया है ये ज़्यादातर इंडिया से है बैच और उसमें भी मखसूस से साउथ कश्मीर और दो नॉर्थ इंडिया है तो हमारी जो ज़बान होगी बात करने का जो सलीका होगा वो उर्दू ज़बान होगी हालांकि हम उसको इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं अरबिक में भी पढ़ाते हैं और भी जबानों में पढ़ाते हैं बट मुझे कहा गया है कि आप उसको उर्दू जबान में पढ़ाएं ताकि जो हमारे लोग समझने वाले हैं वो उसको समझें अच्छी तरह से और ये जो हमारी यानी क्लासेस रहेंगे ये हफ्ते में दो दिन रहेंगे और कोशिश हम करेंगे कि हर हफ्ते में ये दो क्लासेस हम अटेंड करें ज़्यादा लंबे चौड़े क्लासेस नहीं होंगे तीस मिनट पैंतीस मिनट की क्लास होगी जो कि आपके लिए आसान होगा इसको अटेंड करना बट कोशिश कीजिएगा कि हर क्लास में आप कंटिन्यू रहें क्योंकि जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया ये प्रोग्राम कंटिन्यूटी चाहता है एक मुस्तकिल मिजाजी चाहता है बगैर उजरी शरीर आप इस प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे दूसरी बात इस प्रोग्राम में हम आपको बोलचाल की अरबिक नहीं सिखाएंगे यानी दो तरह के अरबिक होते हैं एक होता है कन्वर्सेशनल अरबिक जो हम आज यहाँ पर नॉर्मल अपनी चूंकि मैं सऊदी अरबिया में रहता हूँ जो हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं जिसको हम बोल चाल की अरबिक कहते हैं इस प्रोग्राम में बोल चाल की अरबिक नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि बोल चाल अरबी अरबिक में स्लैंग्स होते हैं बहुत सारी चीजें एड हो जाती हैं जो कि एक्चुअल जो लैंग्वेज है वो नहीं होती हमारा मकसद इस प्रोग्राम में आपको कुरान मजीद के करीब ले आना है यानी आप जब कल कुरान पढ़ेंगे नमाज में पढ़ेंगे या बाहर भी जब आप कुरान पढ़ेंगे अरबिक टेक्स्ट आप खुद समझेंगे कि कुरान में ये अल्लाह तबारक मुझसे क्या मुतालबा कर रहा है या क्या मैसेज मेरे लिए है। इस प्रोग्राम को सिर्फ इस खातिर डिवाइज किया गया तीसरी बात इस प्रोग्राम को हमने बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू किया है तो जो साथी कुछ चीज़ें जानते हों तजवीद में या अरबी ग्रामर में तो वो बोर ना हो जाए कि ये तो बेसिक बता रहे हैं बिल्कुल सीधे अंदाज में क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस है तलबा है तालिबात है ये उस बैकग्राउंड से भी है जो ए बी सी डी जिसको हम कहते हैं अलिबा से, तासा से सीखना चाहते हैं तो हमारा कत लेवल नहीं है कि हम बड़े बड़े बातें करें और फिर आप बेसिक चीज़ें भूल जाए तो जो लोग कुछ जानते हैं जिन लोगों को कुछ अरबिक का शगफ है या कुछ वाकफियत है वो थोड़ा सा सब्र करें क्योंकि हर चीज़ वक्त पे आएगी और हम बहुत ही बेसिक लेवल से इसको शुरू करने वाले अब चौथी चीज़ जो है वो ये है कि इस प्रोग्राम में हमारे पास चूंकि दो हिस्से हैं तो सबसे पहले हम जो कुरान मजीद का तजवीद है वो एक डेढ़ महीने में सीखेंगे ताकि आपका जो तलफ़ है कुरान पढ़ने का वो सही हो जाए उसके बाद हम अरबी ग्रामर के ऊपर आएंगे जिसमें मैं आपको मिसालों के जरिए और उर्दू के मुख्तलिफ जुमलों के जरिए अरबिक कुरानिकरबिक सिखाने की कोशिश करूंगा तो बिस्मिल्लाह करते हैं आज के इस प्रोग्राम में तो आ, सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज का प्रोग्राम तजबी से मजीद उस तरह पढ़ना जिस तरह ये जनाब रसूल अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है जिस तरह ये जबरीलम ने अल्लाह तबारक वाल की तरफ से आप सल्लम पर नाजिल किया है तो बात होती है कि जो इलम तजवीद है या जब हम बात करते हैं कि तजवीद के साथ कुरान को पढ़ा जाए तो सवाल पैदा होता है तजवीद किसको कहते हैं और तजवीद का सीखना क्या जरूरी है अगर ये जरूरी है तो शरी या फिर किस टर्म में इसको हम इंडिकेट करेंगे सबसे पहले हम कुरान मजीद के कुछ आयतों का मुताला करेंगे जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फरकान आयत नंबर थर्टी टू में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है वरतल नाहु तरतीला जिसका तर्जुमा है कि हमने कुरान मजीद को बवास्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरतील के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया यानी अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद को तरतील के साथ उतारा है तरतील के साथ आप लफ्ज याद रखिएगा तरतील वरतल नाहु रत्तलना ये जो रतलना है ये तरतील से निकला है इसके बाद अल्लाह तआला ने मुज़म्मिल में आयत नंबर सेवेंटी थ्री में फरमाया यहाँ पर ऊपर तो कहा गया कि अल्लाह तआला ने तरतील के साथ इसको को सुनाया दूसरी में दूसरे आयत में हुक्म दिया गया है ये तिल अमर है इसको हम पढ़ेंगे आगे और आप पढ़े अल अल-कुरान, कुरान मजीद तरतीला तरतील के साथ अब देखिये ऊपर भी तरतीला है नीचे भी तरतील है तो लफ्ज़ तरतील का मतलब क्या है हजरत अली रजी अल्लाह तहु से एक बार पूछा गया कि आप हमें ये बताइए कि ये जो तरतील है कुरान मजीद में अल्ला तबारा ने बहुत जगहों पर तरतीला तरतीला लफज इस्तेमाल किया है कहीं तो ये फरमाया कि आपको हमने तरतील के साथ कुरान भेजा कहीं तो ये फरमाया कि तरतील के साथ आप कुरान पढ़िए तो हज़रत अली से पूछा गया रजियाल्ला से कि आप तरतील हमें बताइए तरतील का क्या मतलब है तो हज़रतली रजी अल्लाह तुमने फरमाया हुआ तजवीदरूफी व माहरफ़तलवकूफ उन्होंने फरमाया तरतील का मतलब ये होता है हरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और वकूफ़ का इल्म होना यानी कुरान मजीद में किस जगह आपको ठहरना है कहाँ ठहरना ज़रूरी है कहाँ आपको सीधे चलना है कहाँ आप ठहर सकते हैं थोड़ा वक्फ कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं एक तो इस चीज़ का इल्म दूसरा जो हरूफ हम कुरान मजीद में अरबी ज़बान में अदा कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स जिनके साथ हम वर्ड्स बता रहे हैं ये हरूफ को कैसे हम अदा करें अगर आपको हरूफ अदा करना आ जाए प्लस आपको ये पता हो जाए कि किस जगह आपको कुरान मजीद में ठहरना है किस जगह आगे पढ़ना है कैसे ठहरना है कितना ठहरना है तो आपने आपने तरतील का हक अदा किया तो तरतील का जो अरबिक मतलब है जिसका मायने हजरत अली रजियाल्ला फरमाया हुआ तजबीदरूफी व मरफतलूफ तो इसका मतलब होता है कि तरतील के साथ कुरान का पढ़ना फ़र्ज है जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज है जिस तरह रोज़ा रखना फ़र्ज है फर्ज़ फ़र्ज़ी इसी तरह कुरान का तजवीद के साथ तरतील के साथ पढ़ना फ़र्ज है बहुत सारे लोग कुरान मजीद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम भी पढ़ते आ रहे हैं और ये इस चीज़ का ख्याल रखते रखने बगैर हम कुरान को पढ़ रहे हैं कि चूँकि हमारी जबान चूँकि उर्दू हम समझते हैं अरबिक काफ़ी ज़्यादा जो ताल्लुक है जो बरसीर की उर्दू उसके साथ है तो हम अपनी जबान की तरह कुरान मजीद को भी पढ़ रहे हैं ऐसा न हो कि हम कुरान पढ़ते वक्त ऐसी गलतियां करते हो जो हमें कुफर तक ले जाती हो उसकी मिसाल मैं अभी दूंगा इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि जब भी हम कुर मजीद को पढ़े उसको तरतील के साथ अदा करें और तरतील का क्या मतलब हो गया कि हम जो भी हरूफ है उनको अपने तजवीद के साथ अदा करें वो क्या होता है वो मैं बताऊंगा और हम वकूफ का इल्म हासिल करें कि किस जगह हमें ठहरना है और कैसे हमें ठहरना है अब देखिए जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हम जो उर्दू जबान जानने वाले लोग हैं बरगिर के लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान कश्मीर वगैरह हमारी जो जबान है उर्दू है और अरबिक का जो तलफुज है वो भी उर्दू के साथ मिलता जुलता है बहुत सारे लोग उर्दू और अरबी में ज्यादा फर्क नहीं जानते जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके सामने मैंने एक लफ्ज़ यहां लिखा है इसको अगर हम उर्दू में पढ़ते हैं तो हमारे पास ज्यादा फर्क नहीं लगता जैसे दल्ला, दूसरा है ज़ा ज़ा, से पड़ी जा, जल्ला, तीसरा है जा से जल्ला, और चौथा है दाद से या दाद से, अब अरबिक में इस लफ्ज को ये जो आप चार अल्फाज देख रहे हैं मैंने अलग अलग अंदाज में इसको अदा किया वल्ला जल्ला, वल्ला ज़ल्ला और वल्ला ये चार चार अल्फाज अगर आप मेरी होटू मेरे होटू को आप देख रहे हो तो आप समझेंगे कि मैंने इन चार अलग अलग अल्फाज को अलग अलग तरीके में अदा किया जबकि उर्दू में अगर हम पढ़ेंगे इसको भी पढ़ेंगे जल्ला, 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 जल्ला। ज्यादा फर्क नहीं हम करेंगे इन चारों अल्फाज का जो अरबिक में मतलब है वो अलग बनता है जैसे दल्ला का मतलब है, जल्ला का मतलब होता है वो जलील हो गया का मतलब होता है वो फिसला कोई फिसल जाता है वल्ला का मतलब होता है वो गया जबकि दा से का मतलब होता है वो गुमराह हो गया उर्दू में जिसको हम एक ही एक्सेट में पढ़ेंगे अगर उसी तरह हम अरबी में भी पढ़ेंगे तो हम तर्जमे का कहीं का कहीं मायने ले जाए तो इसीलिए हर हर्फ को सही आवाज से अदा करने को असल में तज़वीद कहते जो लफ्ज़ तज़वीद है ना ये जऊद से निकला है जऊद का मतलब होता है खूबसूरत बनाना या ऐसे अदा करना जैसा कि नबीर रलम ने अदा फरमाया या आपके लब लहजे को जैसा आपने उनको अदा किया अल्फाज को अदा किया जैसा कि अलैहिस्सलाम लेके आ गए जैसा कि अल्लाह तबारक की तरफ से नाजिल हुआ उसी तरह से उसी एक्सेंट में उसी तरीके से अदा करने को हम अरबी में जऊद कहते हैं या उसी से निकला है तजवीद तो असल में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम कुरान मजीद पढ़ें ये उस तरह से पढ़ें जिस तरह ये नाजिल हुआ है अब सवाल पैदा होता है कि एक माने एक एक लफ्ज से मैंने आपको समझाया कि कितनी इम्पॉर्टेंस है एक और चीज़ आप जानिए अरबिक जबान में गलती को लहन कहते हैं लहन लाम हा और नून लहन 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 का मतलब होता है लघवी माने में अरबी में या तजवीद में कहते हैं गलती को लहन मतलब गलती और लहन की जो तारीफ है वो ये है कि तजवीज के खिलाफ कुरान पढ़ना यानि गलत कुरान पढ़ना या बेकायदा कुरान पढ़ना इसको कहते हैं लहन और लहन की अरबी में दो किस्में हैं एक होता है लहन जली यानी बड़ा बड़ी गलती और दूसरा है लहन खफी छोटी गलती अगर हम अरबिक अल्फ़ाज़ में लहन जली करें लहन जली मतलब बड़ी गलती करें तो तर्जुमा जो है वो कहीं का कहीं हो जाए तर्जुमा बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगी और यहां तक आपको पता नहीं होगा और कुरान पढ़ते पढ़ते आप कुफर कर रहे होंगे अगर आपने लहनी जली अदा की यानी अगर आपने बड़ी गलती अदा की बड़ी गलती मसलन ना जैसे हम पढ़ते हैं या का ना दाल पे पेश है ना अगर किसी ने पढ़ा ईया का ना दाल को लंबा किया जैसे हम अक्सर गलती करते हैं कुरान पढ़ते वक्त नमाज पढ़ते वक्त इया का नाबुदु के बजाय हम पढ़ रहे हैं इया का नाबुदु जैसे वाव मिला के पढ़ा दिया तो इसका मतलब कहीं का कहीं हो जाता है इसका तर्जुमा कहीं का कहीं हो जाता है अरबिक में ट्रांसलेशन हंड्रेड परसेंट तब्दील हो जाती है इसको हम लहनी जली कहते हैं इसी तरह किसी हरफ को कम कर देना जैसे यहाँ पर लिखा गया है लमयू लद जैसे हम सूरत पढ़ रहे हैं कुल अल्लाहु समद लम कुलह अल्लाहद किसी ने यू लद के बजाय वाव को हटा के लम यू लद पड़ा यू के बजाय यू लद पड़ा वाव को हटा दिया तो इसमें उसने वाव को हजब किया हजब का मतलब वाव को छोड़ दिया इससे भी तर्जुमा हंड्रेड परसेंट तब्दील हो जाएगा तो यहाँ पे भी लहन जली हो गया इसी तरह किसी की जगह दूसरे हरफ को पढ़ना जैसा मिसाल के तौर पर सौद से सौध, सौध कहते हैं अरबी में मौसम गर्मा को गर्मी का मौसम अगर सौद के बजाय किसी ने सीन पड़ा सीन से मैं बताऊंगा इसका क्या कैसे आपको स्वाद और सीन पढ़ना है जैसे मैं भी मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि किसी ने स्वाद के बजाय सीन पढ़ा हालांकि दोनों का जो उर्दू में पढ़ने का सलीका है सेम है सैफ जो होता है अरबी में इसको तलवार को कहते हैं तलवार जैसे सैफुल्ला आपने सुना होगा खालिद बिन वलीद रबी अल्लाह तु को सैफुल्ला की तलवार कहा जाता था तो सैफ मौसमी गर्मा सैफ इन तलवार में तब्दील हो गया अगर एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज एक हरब को दूसरे हरब में तब्दील किया ये भी लहनी जली इन्हें सीन को स्वाद पड़ा या स्वाद को सीन पड़ा इसी तरह एक और लहनी जली में गलती ये है कि अगर हम जबर पढ़ते हुए एक लफ्ज का इजाफा कर देते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फसली फसली अगर किसी ने पढ़ा फास अक्सर हम पढ़ते हैं फासली तर्जुमा बिल्कुल तब्दील हो जाएगा फसल का वन हर सुरतल इन्ना ताइना में है या कौसर में अलकौसर में अगर किसी ने फसल के बजाय पड़ा फसल तर्जुमा तब्दील लहनी जली इसी तरह अगर हरकत में तब्दीली की ये जो जैसा कि आम किया जाता है मिसाल के तौर पर जबर की जगह जेर पढ़ना मिन को किसी ने मन पढ़ा तो ये भी लहनी जली हो जाता है लहनी जली के इरतकब से आदमी पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलता कुफर तक पहुँच जाता है इसलिए लहनी जली से हमें दूर और रहना है बचना है कुरान मजीद को पढ़ना है तजवीज़ का पढ़ना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें लहनी जली के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए लहनी खफी का मतलब क्या होता है लहनी खफी का मतलब ये होता है कि आपने खूबसूरती में कोई चेंजेस लाए यानी अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं जबर जेर में कोई तब्दीली नहीं कुछ बढ़ाया घटाया नहीं मगर खूबसूरती जैसे जब हम कुरान पढ़ते आपने सुना होगा कारी जब कुरान पढ़ता है कहीं वो मतलब लंबा करता है कभी वो जल्दी पढ़ता है कभी वो नाक में आवाज़ दे जाता है कभी वो मुंह में आवाज़ दे जाता है कभी वो झटका देता है ये जो सिफात है अगर कोई सिफात में गलती करे तो इसको हम लहन खफी कहते हैं अगर ये भी गुनाह है मगर इससे आदमी कुफर तक नहीं पहुंचता अब देखें हमारे पास जो कुरान मजीद में हिजा है यानी अल्फाबेट्स है उनकी तादाद उनतीस है ट्वेंटी नाइन कुछ लोग हिजा की जो तादाद है उसको 28 मानते हैं ट्वेंटी एट क्यों क्योंकि उनके यहाँ अलिफ और हमजा जो है ये एक ही हरफ है अलिफ और हमजा एक ही अल्फाबेट है कुछ लोग अलिफ और हमज़ा को अलग मानते हैं इसलिए अरबिक में हरूफुल्हिजा जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं या हरूफुलतहजी कहते हैं उनकी तादाद अरबिक में उनतीस है या अठाईस है अब इनको पढ़ने का जो तरीका है वो आप याद रखिएगा आपने देखा होगा कि जो ये हमारे पास अल्फाबेट्स है हरूफुल्हिजा है उर्दू में भी ऐसे ही पाए जाते हैं बट उर्दू में पढ़ते वक्त और अरबी में पढ़ते वक्त फ़र्क है कुछ हरूफ वैसे ही पढ़े जाते हैं जैसा कि उर्दू में पढ़ा जाता है जैसा कि यहाँ पर आपने देखा अल्फ जीम दाल दाल सीन शीन सौद जैसा कि उर्दू में पढ़ा जाता है बट कुछ हरूफ जो उर्दू में ये के साथ पढ़े जाते हैं उनको अरबी में अलिफ लगाया जाता है जिसे मिसाल के तौर पर इसको उर्दू में हम पढ़ते हैं बे बे इसको पढ़ते हैं ते जिस किसी हर्फ को भी हम उर्दू में बड़ी ए के साथ पढ़ते हैं अरबिक में उस हर्फ को या उस अल्फाबेट को अल्फ लगाया जाता है तो बे बन जाता है बा ते बन जाता है ता फे बन जाता है ता अब जीम को अरबी में जीमी पढ़ा जाता है इसके अंदर या कोई नहीं बड़ी या नहीं है तो इसका हम जीमी पढ़ेंगे इसको हा पढ़ेंगे इसको खा पढ़ेंगे क्योंकि अरबी में इसको हाई या खाई कहते हैं तो हम इसको हा खा दाल को दाल ही पढ़ेंगे दाल पढ़ेंगे इसको रा पढ़ेंगे क्योंकि अरबी में उर्दू में इसको रे पढ़ते हैं इसको जा पढ़ेंगे ये सीन शीन साद ग ऐसे ही पढ़ा जाएगा तोई और वाई को अरबी में हम पढ़ते हैं तो और वा عین غین फ क्योंकि अरबी में इसको फा पढ़ते हैं उर्दू में इसको फे पढ़ते हैं कौफ कैफ कौफ कैफ लाम मीम, नून ऐसे हरूफ है वाव हा, क्योंकि उर्दू में इसको है पढ़ते हैं हमजा हमजा को हमजा ही पढ़ा जाएगा या अरबिक में छोटी या बड़ी या नहीं होती इसको दोनों को या ही पढ़ते हैं कुरानी मजीद में सिर्फ एक जगह बड़ी या को इस्तेमाल किया गया है बिस्मिल्लाही, मजरेहा व के बजाय मजरेहा पढ़ा गया है बड़ी या पढ़ा गया है बाकी कुरान मजीद में सिर्फ छोटी या को इस्तेमाल किया गया है अब तजवीद में आपको दो चीजों को पढ़ना है आने वाली क्लासों में क्योंकि आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है एक तो हम पढ़ेंगे मखारिज कौन सा हरफ मुंह के किस हिस्से से अदा होता है इंग्लिश में कहते हैं द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यानी तज़वीद, यानी जो मखारिज है मखारिज मतलब जहाँ से हमारे हरूफ अदा होटों से लेके हमारा जो गला है ये पूरा एरिया जो हमारे आ, हमारे मुंह का हिस्सा है इनके मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे पास हरूफ अदा होते हैं जिनको हम मखारिज कहते हैं निकलने की जगह इंग्लिश में प्लेसेस ऑफ ऑर्टिकुलेशन और सेकेंड चीज जो हमें तजवीज में सीखना है वह है शफाक़ हर एक हर्फ के बहुत सारे सिफात है क्वालिटीज है कोई तेज पढ़ा जाता है कोई नरम पढ़ा जाता है कोई यानी बिल्कुल लंबा किया जाता है कोई शॉर्ट पढ़ा जाता है किसी के अंदर नाक में ले जाने की सिफत है इन तमाम चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे तो तजवीद असल में दो चीजों का मान नाम है एक तो है कि आप हर हर्फ को जानेंगे कि इसका मखरज कहाँ से है कहाँ से निकलता है और दूसरा इस हरफ की क्या सिफात है क्या क्या क्वालिटीज है एक हरफ के मुख्तलिफ क्वालिटीज हो सकते हैं दो दो से ज्यादा तीन चार पांच, छः अलग अलग क्वालिटी जिनको हम अगले टन पढ़ेंगे अब जो मखरज का जैसे कि मैंने आपके सामने अर्ज किया मखरज मतलब होता है निकलने की जगह तो हमारे पास मखारज है मखारज मखरज की जमा मखारज जो है मखरज की जमा है इसमें हमारे पास अरबिक में ट्वेंटी नाइन हरूफ है हरूफुल हिजा आपके सामने है और मखारिज असल में टोटल में सेवेंटीन है और जिनमें सोलह से निकलने वाले हरूफ हम अलग अलग कलर्स में अगले आने वाले लेक्चर्स में आपको दिखाएंगे और फिर आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी तो इस स्टेज पे आज का हम लेक्चर एंड करेंगे हमारे पास सिर्फ दो मिनट है अगर कोई सवाल आपके पास है तो आप सवाल पूछ सकते हैं अदरवाइज आज का लेक्चर हम एंड करेंगे सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आने वाले लेक्चर्स में ट्यूसडे में जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें आप टाइम पे रहिएगा ताकि 30 मिनट हमारे पास बराबर रहे और हम कोशिश करेंगे कि तजवीज को डेढ़ महीने में इंशाल्लाह खत्म करें कोई सवाल अगर हुँ, आपके सामने जी अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी अब्बास साहब मेरा नाम अब्बास है और मैं कश्मीर से हूँ जी अब्बास तो मैं करता हूँ कि किसी ने मुझे ऐड किया इस ग्रुप बार, में बारक आ तो मैं वेट कर रहा था आज के दिन का आ, दो तीन दिन से अल्लाह ताला आपको तो जी आमीन सर अगर ये क्लास एक्सटेंड होगी आई मीन दो ही आप दिन बोल रहे हो दो दिन ये होगी तो ये एक घंटे की होनी चाहिए आ, हो सकता हमारे अगर, हमारे पास अगर जूम अगर। का जो सेशन है ना वो आ, सिर्फ मिनट्स का होता है, है, ठीक फ्री सेशन, या तो फिर हमें उसी लिंक को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा अभी फिलहाल हम ऐसे ही चलते हैं आगे अगर शोक बढ़ गया तो हम इसको आपके मुताबिक करेंगे, अगर अभी फिलहाल इनशालाऐ चले फिर इनशाला मुलाकात होप सो चलिए चलिए फिर इजाजत चाहते हैं क्योंकि वक्त हमारा पूरा हो गया अल्लाह तबाराक तआला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए वा आखिर दुआना आमीन अल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू व बरकातहू